ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 107वें अध्याय में महर्षि पराशर जी के द्वारा वर्णन किया गया तथा वर्ण और आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित्त धर्मों का निरूपण आपको श्रवण करवाएंगे। अब श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नारायणाय नमः। श्री सूत जी कहते हैं, आगे बताते हैं सूत जी। महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्ण आश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। उनका यही कहना है कि कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती हैं। कल्प के प्रारंभ में मनुमादि ऋषि, मनु इत्यादि जो भी ऋषि हैं, वेदों का स्मरण करके ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करते हैं। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा साप ये दोनों एक वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार से कलयुग के बारे में बताया गया है। मनुष्य आचार सदाचार तथा शौचाचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या स्नान जप होम देव और अतिथि पूजन, इन छह कर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? षटकर्म पूजा जो है ये है। सबसे पहले संध्या स्नान करें, संध्या करें, जप करें, होम करें, देव और अतिथि की पूजा करें, देवताओं की पूजा और अतिथि की पूजा करें। इन छह कर्मों को प्रतिदिन मनुष्य को करना चाहिए। आचारवान जो है ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ हैं। सही आचरण करने वाले ब्राह्मण और सन्यासी इस कलयुग में क्या कह रहे हैं? दुर्लभ हैं। इस प्रकार से दुर्लभ बता रहे हैं उनको। क्षत्रिय को चाहिए कि वह क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? वह शत्रु सेना को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करे। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करें। वैश्य लोग पशुपालन करें, व्यापार आदि का काम करें और शूद्र इन तीन द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहे। व्यक्ति का पतन असभ्य भक्षण, उल्टा सीधा भोजन करने से, शास्त्र निषिद्ध भोजन करने से, जो शास्त्रों में जिसको निषिद्ध कहा गया है, शास्त्रों में जिसके बारे में अभक्ष्य बताया गया है, उसको भोजन करने से, चोरी करने से और अगम्यागमन करने से, व्यभिचार करने से, वैश्यावृत्ति करने से हो जाता है। इनसे उसका क्या हो जाता है? मनुष्य का पतन हो जाता है इन कामों को करने से। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वह थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्य में नियोजित न करे। अगर बैल थक गया है तो उससे कृषि का कार्य न करवाए और उससे बोझा ढोने का भी कोई कार्य न करवाए। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंचयज्ञ करें। मध्यान्ह काल में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और क्रूर कर्मों की निंदा करें। तेल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंचसूनाजनित दोष से निवारणार्थ बलि विश्वदेव होम करें। कृषिकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का क्रमशः छठा भाग राजा, बीसवां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे कृषि जनित पाप नहीं लगता है। इससे क्या होता है? कृषि में किए हुए कृषि कार्य में करने से जो पाप हो जाते हैं मनुष्य के द्वारा, किसान के द्वारा, तो वह उसको नहीं लगते हैं। उसको क्या करना है? क्रमशः जो
कमाता है उसका छठा भाग जो है राजा को दान देना है, 20वां भाग देवताओं के लिए निकालना है और 33वां भाग ब्राह्मण को देना है। इससे उसको किया हुआ जो कृषि कार्य में जैसे कोई कीट पतंगे वगैरह मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है कृषि कार्य करने में, उससे जो उसको पाप लगता है वो पाप से उसकी निवृत्ति हो जाती है, उससे उस पाप नहीं लगता है। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय वैश्यता शूद्र यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशौच होने पर सामान्यतः जब मृत्यु का अशौच होता है ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन और वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। क्या बताते हैं, मृत्यु अशौच होने पर सामान्यतः ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो उस कार्य को कराता है उस ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है। 4थी पीढ़ी तक 10 दिन, अब इसमें बताया गया है कि कौन से पीढ़ी में कितने दिन का अशौच रहता है, उनको कितने दिन का शौच रहता है, कितने दिन की छूत उनको रहती है, वो बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है सपिंडी कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति, अपनी जो संपत्ति है आदि के हिस्सेदार जो हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले जो उनसे दूर रहते हैं आवास बना करके, उन बंधुओं को बंधु बांधव हैं, उनके बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है, उनको भी जन्म और मृत्यु का अशौच उनको भी लगता है। 4थी पीढ़ी तक 10 दिन का, जो अपने गांव छोड़ करके इधर उधर रह रहे हैं जो लोग, उनको भी अशौच होता है, इस प्रकार से बताया गया है। अब बताया गया है 4थी पीढ़ी तक 10 दिन का लगता है, 4थी पीढ़ी तक का 10 दिन का छूत लगता है। 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का लगता है, 6ठी पीढ़ी तक 4 दिन का लगता है और 7वीं पीढ़ी तक 3 दिन मरण शौच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने पर होते समय हो जाती है, उन सबका अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भ स्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्ध होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन 1 रात्रि का अशौच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जिसका 4 महीने तक गर्भ नष्ट हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, उसको गर्भस्राव कहा जाता है और जो 6 महीने के गर्भ जिनके गिरते हैं उनको, 5 और 6 महीने के जिनके गर्भ गिरते हैं उसको गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं
उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का अशोच नहीं होता है जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में हैं, जो अपने गुरुकुल में शिक्षा वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, अग्निहोत्र करते हैं नित्य अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो उनको अपने घर से कोई लेना देना मतलब नहीं है, अनासक्त हैं, आसक्त घर से आसक्त नहीं है, घर से अनासक्त हैं, घर से अलग हैं, और उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का अशोच नहीं होता है। शिल्पकार कारुकर्म करने वाला, चटाई बनाने वाला जो होता है, चटाई वगैरह इत्यादि जो बनाते हैं उनको कारुकर्म बोला जाता है। वैद्य दास दासी भृत्य अग्निहोत्री तथा स्त्रोत्रीय ब्राह्मण और राजा ये सद्य शौच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशौच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। जन्म का शौच जो होता है, जिसको जन्म की शोध होती है, उससे माता को 10 दिन का और पिता को स्नान करने से उसको शुद्ध हो जाता है। सूतिका ग्रह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशौच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशौच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादि कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशौच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य का निषेध विधान है। विवाह के उत्सव यज्ञ आदि कार्यों के संपादन काल में ही अगर मृत्यु या जन्म का शौच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित जो कार्य हमने संकल्पित किया है, जिसका हमने संकल्प ले लिया है, उस कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है। उस कार्य को तो कर सकते हैं और अन्य कार्य उसके बाद में नहीं कर सकते हैं, वो फिर शौच पूरा होने के बाद ही कर सकते हैं। जब आदमी शौच हो जाएगा, जब शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद उस कार्य को अन्य कार्य कर सकता है, उसका विधान है। इस बीच में उस कार्य को दूसरे किसी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। जो कार्य हमने शुरू कर रखा है उसे पूरा करना पड़ेगा। अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशौच नहीं होता। जो हमने पहले कार्य शुरू कर दिया है उसके लिए कोई अशौच नहीं है। बाद के कार्यों में अशौच होगा। बाद में जो हम अगर नया कार्य कोई करेंगे तो उसमें हमें अशौच होगा। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है। अगर हम किसी अनाथ व्यक्ति जिसका कोई नहीं है उसके शव को ले जा करके शमशान घाट तक पहुंचाते हैं तो उसकी हमें सिर्फ प्राणायाम मात्र से शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। यदि हम किसी शूद्र का शव ले जाते हैं, उठा करके शमशान घाट ले जाते हैं या उसको स्पर्श करते हैं तो उससे हमें 3 दिन के बाद ही शुद्धि होती है। आत्मघात विषपान फांसी तथा कृमिदंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता है। क्या बता रहे हैं? आत्मघात, जिसने आत्महत्या की हो, विषपान किया हो, फांसी लगा के जिसने आत्महत्या कर ली हो, विषपान करके आत्महत्या कर ली हो, अपने आप आत्महत्या कर ली हो, तथा कृमिदंश सर्पदंश से किसी कीड़े के द्वारा डंक मारने से जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता। उसका विधान दे रखा है तो उसकी विधान के अनुसार ही उसका क्रियाकर्म करना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार उसी विधान विधि विधान से करना चाहिए। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमिदंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर कृच्छवृत्त से शुद्धि होती है। गौ के द्वारा किसी को मार दिया गया हो, गाय के द्वारा किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी को सर्पदंश से किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी कीड़े के द्वारा काटने पर उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसकी स्पर्श करने से कृच्छवृत्त से शुद्धि होती है। यह शुद्धि अशौच निमित्तक है। जो पत्नी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वह 7 जन्मों तक स्त्रियों को प्राप्त वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। क्या बताया है? जो स्त्री, जो पत्नी
जवानी में यौवनावस्था में अपने अच्छे भले पति को, निर्दोष पति को छोड़ करके चरित्रवान पति को छोड़ देती है, उसका परित्याग कर देती है। वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त करती है और बार बार 7 जन्मों तक विधवा होती है। उसका पति बार बार मर जाता है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बाल हत्या का पाप लगता है। यदि स्त्री ऋतुकाल में हो और ऋतुदान मांग रही हो, अगर उसे न उस उसके साथ ऋतुदान न किया जाए तो उस मनुष्य को, उस पुरुष को बाल हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है वह अगम्या होती है और जन्मांतर में सुकर योनि प्राप्त करती है। क्या होता है? जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है, इसको इन चीज़ों का भ्रष्ट होती है, अन्न पान वगैरह इत्यादि से भ्रष्ट होती है, जो खाने पीने को परहेज नहीं करती है, अगम्य अगम्य होती है, जो वेश्यावृत्ति करती है तथा जन्मांतर में वह दूसरे जन्म में क्या होती है, सूकर योनि में सूर्य की योनि प्राप्त करती है। और क्षितिज पुत्र, एक ही पिता के पुत्र औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं, अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। औरस पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, और जो अपना पुत्र होता है वो सब एक जैसे पुत्र होते हैं, वो अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेता एवं परिवित्ती, बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की अस्वीकृति देने वाला, परिवेता एवं परिवित्ती, बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की अस्वीकृति देने वाला वाला वो परिवृत्ति वाले को अपनी शुद्धि के लिए कृत्स्य व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार इस प्रकार कन्या को भी कृत्स्य व्रत करना चाहिए। ऐसे कन्या के दान देने वाले को अति कृत्स्य व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चंद्रार्य व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक, हकलाने वाला, मूर्ख, जन्मांध, बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता है। बड़े भाई के ठीक ठाक रहते हुए छोटे भाई को पहले विवाह नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि बड़ा भाई कुबड़ा है, बौना है, नपुंसक है, हकलाने वाला है, मूर्ख है, जन्म से अंधा है, बहरा है तथा गूंगा हो तो छोटे भाई द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता है। जिसे बागदान मात्र किया गया है, ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो, तो इन 5 आपदाओं में बागदत्ता कन्या दूसरे पति का वरण कर सकती है। किसी कन्या का बागदान हो गया हो, वाक्य दे दिया हो उसके पिता ने कि मैं तुम्हारे साथ इसका विवाह करूंगा, इस प्रकार से बागदान दी हुई कन्या का जो पति है, यदि वह परदेश चला गया हो, ना आया हो परदेश, ना आता हो परदेश से, जाए मर गया हो, संन्यास धर्म का उसने संन्यासी बन गया हो, संन्यास धर्म अपना लिया हो, संन्यास धर्म का अवलंबन कर लिया हो, नपुंसक हो अथवा पतित हो, आचरणहीन हो, तो इन 5 अवस्थाओं में बागदाता कन्या, जिसके पिता ने उसको कन्यादान करने के लिए कह दिया है, तो दूसरे पति का वरण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री जो है, शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण
लौकिक अग्नि से जलाने योग्य होता है। उस अग्नि से जलाए गए ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजन को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। कृष्ण मृगचर्म 600 पलाश पत्तों को मृग के आकृति के समान बिछाकर अथवा कुशमय शरीर का निर्माण करके शिश्न भाग पर समी तथा वृषण भाग पर अरण्य के काष्ठ को स्थापित करके उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड स्थाली और बाएं हाथ के स्थान पर उपभृत यज्ञ पात्र पार्श्व भाग में उलूखल तथा पीठ की ओर मुसल रखे पश्चात उस शव के वक्षस्थल पर सोमरस तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थर को रखकर उसके मुख भाग में घृत तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निकट आज्यस थाली घी की थाली रखें। कान नेत्र मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों से सहित उस अग्निहोत्री का सहदाह करने पर वह मृत अग्निहोत्री ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, इस मंत्र से घृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस सारस क्रौंच चक्रवाक चकुआ चकोर जिसको बोलते हैं, कुक्कुट मयूर मुर्गा मोर और मेष का वध करने वाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर एक अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पशुओं का वध करने पर पाप मनुष्य को लगता है उसका। सभी प्रकार के चार पैर वाले पशुओं को मारने पर मनुष्य को जो पाप लगता है उसका अवमोचन खड़े होकर और अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर, कृच्छ्रवत वैश्य की हत्या करने पर, अति कृच्छ्रवत क्षत्रिय का वध करने पर, 22 चंद्राण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चंद्राण व्रत करने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इस महर्षि पराशर जी के द्वारा बताया गया वर्ण तथा आश्रम धर्म का प्रायश्चित, इन धर्मों का निरूपण इस अध्याय में, इस 107वें अध्याय में आपको श्रवण करवाया गया है। कल हम आप लोगों को 108वें अध्याय में बृहस्पति जी के द्वारा नीति सार, जो उनके द्वारा नीति बताई गई है, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। हरी शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।